पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी को कड़ी चिट्ठी लिखते हुए नेहरू की विरासत से छेड़छाड़ नहीं करने की अपील की है। मनमोहन सिंह ने लिखा है कि नेहरू न सिर्फ कांग्रेस के बल्कि पूरे देश के नेता थे, इसलिए उनके म्यूजियम के नेचर और कैरेक्टर को नहीं बदला जाना चाहिए। पंडित नेहरू की स्मृतियों से जुड़े तीन मूर्ति कॉम्प्लेक्स में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करना चाहिए। नेहरू जी के निधन के बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के संसद में दिए गए भाषण का जिक्र करते हुए मनमोहन सिंह ने लिखा कि नेहरू के योगदान को मिटाया नहीं जा सकता। वाजपेयी सरकार के 6 साल के दौरान नेहरू की स्मृतियों से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, लेकिन अब ऐसा होना सरकार का एजेंडा लग रहा है। दरअसल केंद्र सरकार तीन मूर्ति कॉम्प्लेक्स में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी की जगह को मिलाकर सभी प्रधानमंत्रियों के म्यूजियम के तौर पर स्थापित करने की तैयारी कर रही है। खबर तो समझिए कि पीएम मोदी के नाम मनमोहन सिंह की चिट्ठी के आखिर मायने क्या है। पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर दबाव बनाना चाहते हैं मनमोहन सिंह मौजूदा पीएम पर। केंद्र सरकार तीन मूर्ति कॉम्प्लेक्स में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी की जगह को मिलकर सभी प्रधानमंत्रियों के लिए म्यूजियम बनाना चाहती है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मौजूदा सरकार की नियत पर अब कांग्रेस लंबे अरसे से सवाल उठाती रही है। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के जिक्र के जरिए मनमोहन सिंह पीएम मोदी को घेरना चाहते हैं।